Welcome to my dear online students. This is another session for class 12th chemistry. You know that we are discussing chemical kinetics, and in the chemical kinetics we have finished up to how to express the rate of reaction, how to express the rate of appearance of any product or disappearance of any reactant that we have discussed in the previous classes. सपोज मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की तो केमिकल रिएक्शन में क्या हम डिस्कस कर रहे हैं शाबाश रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए मैंने आपको एक डिफिनेशन बताई थी. इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन. या तो कंसंट्रेशन में चेंज हो सकती है, या तो प्रेशर में चेंज हो सकती है, या तो वॉल्यूम में चेंज हो सकती है, या तो वॉल्यूम मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज हो सकती है. ये मैंने आपको समझाया था किन के मोल्स में, किन की कंसंट्रेशन में, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होती है. कब? जब हम किसी रिएक्शन की रेट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं. इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और मोल्स और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. किसी वक्त में कितनी तब्दीली आएगी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, वक्त गुजरने के साथ में कितनी तब्दीली आएगी, किस प्रकार से वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन. तो वो मैंने आपको समझाया था उस टाइम. सपोज हमारे पास एक रिएक्शन थी ए गिव्स बी, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने से पहले हम क्या लिखते हैं इसका, शाबाश इस रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं, हम तो एक तो लिखते हैं रेट ऑफ, पहले हम इंडिविजुअल्स की रेट लिखते हैं, चाहे रिएक्टेंट की बात करते हैं, चाहे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए. वो हमने किसके बराबर लिखी थी, माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी. और ये भी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा ए किसके बराबर होता है, शाबाश फाइनल कंसंट्रेशन सी टू सी एफ, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन. इसी तरह डेल्टा टी किसके बराबर होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ये मैंने आपको बताया था. तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, इस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी को इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और यूनिट टाइम, ये भी हम लिख सकते हैं. तो इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं बी के रेस्पेक्ट में, क्या लिखते हैं, शाबाश रेट ऑफ अपीयरेंस और कंजप्शन के बजाय क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ बी. ये मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ आपको आपको समझाने के लिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज. वो क्या हम लिखते हैं, डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी. तो यहाँ पे भी पता है आपको कि सी बी क्या है, सॉरी डेल्टा बी क्या है, सी एफ माइनस सी आई, डेल्टा टी क्या है, शबर टी एफ माइनस टी आई. दैट मीन्स डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे चेंज, के कितनी चेंज हुई है किसमें, शाबाश ए की कंसंट्रेशन में और बी की कंसंट्रेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. सपोज इसी रिएक्शन को अगर हम दूसरे अंदाज में, हम इसी रिएक्शन को, ये जो हम लिखते हैं डेल्टा ए डेल्टा टी, इसको हम अब हम अच्छे तरीके से लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. वो आप देख सकते हैं, शाबाश. सपोज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ए गिव्स बी, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे. सपोज एट टाइम इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जब स्टार्टिंग टाइम होता है तो इसकी कंसंट्रेशन हम क्या मान के चलते हैं, ए नॉट. तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी उस टाइम, जीरो. जब रिएक्शन अभी स्टार्ट होने को ही है तो टाइम क्या है उस टाइम, जीरो. तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी,
ए नॉट। तो एट टाइम इक्वल टू टी, अब कुछ वक्त गुजरने के बाद मैं क्या बता रहा हूँ, ए नॉट में से एक्स मोल्स इसमें तब्दील हो गए बी में, तो यहाँ पे क्या बची कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना बच गया, ये एक्स में तब्दील हो गई, क्योंकि यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ए नॉट में से एक्स मोल्स किस में तब्दील हो गए बी में, तो वही बी के कितने मोल्स अब बन गए एक्स, तो यहाँ पे कितना बचा ए नॉट माइनस एक्स। तो इसको हम और एक टर्मिनोलॉजी में हम ऐसे लिखते हैं ए टी, ए टी मतलब क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ये हम लिख सकते हैं ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। तो इसको हम बी टी के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, बी टी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, ये भी आप लिख सकते हो। तो जब हम बात कर रहे हैं आप किसकी, शाबाश, माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्योंकि आपको पता ही है डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी किसके बराबर है, शब्द नेगेटिव हम इसलिए लिखते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, रिएक्टर की कंसंट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज, इसका मतलब ये है, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होती है। तो मैंने क्या बताया डेल्टा ए किसके बराबर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले मैं ऐसे लिखूंगा ए टी है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए नॉट डिवाइड बाई शाबाश टी माइनस जीरो, तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं ए टी के बदले क्या लिखेंगे ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट डिवाइड बाई टी, टी माइनस जीरो टी हो गया, इसके बराबर आ जाएगा ये शाबाश, ये बन जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो ये और ये कैंसर, तो ये इसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे एक्स बाई टी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या मैं ठीक ही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आप देखो ए टी के बजाय क्या लिखा मैंने ए नॉट माइनस एक्स, यहाँ पर मैंने ए नॉट और ए नॉट को क्या किया कैंसर, क्योंकि अगर हम इसको पूरा खोल के भी लिखेंगे तो ये ओवरऑल कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे ए नॉट प्लस एक्स प्लस ए नॉट डिवाइड बाई टी, तो ए नॉट कैंसर, तो क्या बन गया एक्स बाई टी, दैट मीन्स माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इसके बराबर आ गया एक्स बाई टी, क्योंकि जितने मोल्स हमने ए के लिए थे उतने मोल्स इसके बन गए थे बी के मोल्स, जब हम इस रिएक्शन की तरफ नजर डालते हैं तो जितने मोल्स आपने ए लिए उतने मोल्स बी भी बन गए, एक मोल ए लिया बी बी भी इतने, तो अब हमें बी के रेस्पेक्ट में भी जो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी वो भी कितना निकलना चाहिए एक्स बाई टी, तब जाके हम कह सकते हैं कि जितने मोल्स आपने ए के लिए थे वो सभी के सभी मोल्स एज पर दिस रिएक्शन किसमें तब्दील हो गए एज पर देयर स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन इज कंसर्न, वो उसी के स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन में तब्दील हो गई। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, सपोज मिसाल के तौर पर आप किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे बी के रेस्पेक्ट में, तो अब आपको पता है फिर से क्या एट टी इज इक्वल टू जीरो ये है ए नॉट ये है जीरो, एट टी इक्वल टू टी इसको हम क्या बोलते हैं ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना है एक्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी इसके बराबर होगा शाबाश फाइनल माइनस एक्स माइनस जीरो डिवाइड बाई टी माइनस जीरो, वो किसके बराबर हो गया एक्स बाई टी, तो दैट मीन्स जो माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा बी इस रिएक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू किसके बराबर है एक्स बाई टी, ये उस रिएक्शन की हमने बात की कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी वो किसके बराबर होता है एक्स बाई टी, और वो पॉजिटिव आता है चाहे आपने इसको नेगेटिव मान के भी चला तब भी इसका रेट किसका इसके बराबर आ गया एक्स बाई टी था पॉजिटिव। अब सवाल है यहाँ पे अगर हमारे पास रिएक्शन ऐसी होगी इस प्रकार की रिएक्शन होगी, आप समझ लो बाद में बात करेंगे हमारा मतलब क्या है, सपोज मेरे पास रिएक्शन है 3a gives 2b, अब ये है हमारे पास रिएक्शन, तो इसके लिए अभी तक जो हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम था,
रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी। मगर इस टाइम जो हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का क्या है, शाबाश डिफरेंट है। इसके हम कितने मोल्स देते हैं, 3 मोल्स। इसके हम कितने मोल्स देते हैं, 2 मोल्स। तो अब इसके लिए अगर हमें क्या निकाल, क्योंकि अभी मैंने ये नहीं समझाया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभी मैं खाली आपको समझा रहा हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके रेस्पेक्ट में मैं आपको रेट समझा रहा हूँ। बाद में हम पहुंचेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल क्या होता है। सपोज यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एट टी इक्वल टू जीरो पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, शाबाश अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नॉट होगी। आप आपको बताइए, ये तो हमें पता ही है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नॉट। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। ये अब आपको याद ही रखना है। एट टी इक्वल टू टी पे कितना होगा, शाबाश। सब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से एक्स मोल्स तब्दील होगा किसमें, बी में। ए के साथ जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही एक्स के साथ भी आपको जोड़ना है। सपोज अभी आप बोल रहे थे ए गिव्स बी, तो आपने ये लिया था ए नॉट, फिर ये 0, फिर मैंने बोला था आफ्टर सम टाइम इसके एक्स मोल्स तब्दील होंगे, तो आपने ए के एक्स लिया था क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था। इसी तरह अब आप बोल रहे हैं यहाँ, अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इसमें से एक्स मोल्स तब्दील किसमें हो गए, तब्दील बी में। तो उस एक्स के साथ आपको क्या रखना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस 3x। तो कितने में तब्दील हो गए, ये बी में एक्स, ये 3x किसमें तब्दील हो गए, शाबाश बी में। मगर बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, जितना उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतना ही आपको यहाँ पे एक्स भी लिखना है। तो ये है यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये है बी की कंसंट्रेशन, ये है ए की कंसंट्रेशन। अब अगर हमें यहाँ पे इसका क्या